आपने क्या ठीक किया अम्मा? स्वामी जी सादर नमन है, मैं फरुखाबाद यूपी से हूँ, मेरा नाम नूपुर है। स्वामी जी मेरे पिताजी को फिट्स पड़ते थे, तो उसके बाद मुझे भी नर्व्स की वीकनेस जेनेटिक था, मेरे भाई को भी नर्व्स की वीकनेस है। ओ मैं यहाँ आने के लिए भी डर रही थी कि मुझे मतलब मैं कहीं फिट ना आ जाए रास्ते में। नहीं फिट्स नहीं आते स्वामी जी, फिट्स तो लाइफ में सिर्फ 2 या 3 बार आए हैं, लेकिन उसके अलावा मेरा ये हिस्सा ब्लिंक करता है और इतनी देर के लिए मेरा माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है। अच्छा ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है जी। वो चीज 5 दिनों में नहीं हुई। लो 5 दिनों में वो चीज ही नहीं हुई, गायब ही हो गई। वो जो ये फड़फड़ाने की क्या बात करोगे, यहाँ जो प्रोसेस करते हैं शुद्धिकरण का, उससे बात प्रशमन हो गया। उसके बाद मैं अक्षय तर्पण के लिए मेनली यहाँ पर आई थी, मुझे आंखों की बहुत प्रॉब्लम थी। तुमने मुझे 2.5 लाख के बताया था ऑपरेशन का, मेरी कॉर्निया की शेप बिगड़ गई है जो ट्रायंगुलर हो गई, मैं चलते चलते गिर जाती थी। ये ऐसी ऐसी बीमारी है, जब बता रहे हैं तो आदमी की जिंदगी में ऐसा दुख घुल जाता है, उसको लगता है कैसे जिएंगे, चलते चलते गिर जाएंगे, कैसे चलेंगे। अक्षय तर्पण के बाद स्वामी जी जब मैं अब 5 मिनट के लिए पहले आंख बंद करती थी तो मुझे दिखता नहीं था कुछ भी, और अब अक्षय तर्पण के बाद मुझे चश्मे की आवश्यकता नहीं होती, ये मुझे दिखता है, दिखने लगा अक्षय तर्पण मात्र से। घुटनों का पीछे का दर्द बंद हो गया है, स्पाइडर वेन्स थी, आगे की भी दर्द था, गद्दे पे नीचे बैठ नहीं पाती थी, बेड पर बैठ नहीं पाती थी, वेट भी था बहुत ज्यादा, वेट भी इस समय मैंने 2 किलो रिड्यूस किया है, और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे दिखने लगा है आंखों से ठीक ठाक, और मेरी वेन्स की प्रॉब्लम कम हो गई। और वो जो होंठ फड़फड़ाते थे, नहीं यहाँ पे स्वामी जी ये हिस्सा ब्लिंक करता था, और फिर मैं किसी की बात भी सुन पाती थी पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। मैं खुद भी स्वामी जी टीचर हूँ तो कभी कभी बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता था। पढ़ाते समय वो हो जाए तो फिर बोल नहीं पाए जी। क्या नाम बेटा आपका? नूपुर रस्तोगी। कितनी उम्र है जी? उम्र कितनी है स्वामी जी? 39। लो छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी। और स्वामी जी ये प्रॉब्लम मुझे 6th क्लास से है, जब मैं शायद 7-8 साल की होंगी तब से मुझे ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इधर 5 दिनों में मुझे हुई नहीं। मैं बहुत डरते डरते आई थी कि अगर यहाँ पे आऊँगी तो मुझे कैसे मैं ये चीज़ टैकल करूँगी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी, बहुत कोशिश करूँ तो ये प्रॉब्लम मेरी इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं बैठ नहीं पाती थी, मेरी आँखें नहीं खुलती थी। चलो भाई ये तो एक आइडियल एग्जाम्पल हो गया है, ऐसी भी कोई सिचुएशन आ जाए कि मैंने स्वामी जी करीब 10 साल वेलपेरिन गार्डिनाल ये फिट्स की दवा खाई है, और लगातार खाई है कि एक भी दिन मिस नहीं हो, बिल्कुल टाइम टू टाइम खाई है, लेकिन कोई रिलैक्स नहीं हुआ, यहाँ 5 दिन में रिलैक्स हुआ है। अब ये आईग्रिट कंटिन्यू खाना बहन जी, और ये अक्षय तर्पण घर पे भी कर लेना जी स्वामी जी। हाँ जी जी, इसके लिए ना आपको एक इक्विपमेंट दे देंगे, उसको आँख में लगा लेना और हल्का सा निवाया जैसे यहाँ करते हैं ना, हल्का सा बस वो घी तय जाए, मतलब तरल हो जाए जी जी, उतना घी आँख, और वो खाना भी 1-1 चम्मच महात्र फ्लाघ्रीत, और ये आँख का पॉइंट भी दबाना, आईग्रिट लेना, कॉर्निया ऐसा मजबूत हो जाएगा 100 साल तक नहीं हिलेगा, कॉर्निया हिलने लग गया, मैकुलर डिजनरेशन होने लग गया, कुछ भी है, ये अक्षय तर्पण बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये जो यहाँ सारी चीज़ें करते हो ना, विदेशों में भी ये चीज़ें होने लग गई, लेकिन वहाँ ये पैकेज है 5 लाख रुपए का एक बार में, ये सारा प्रोसेस अक्षय तर्पण सिरोधारा कर्णपूर्ण नस्य और बस्ती अभ्यंगा ये सब करते हैं तो 5 लाख रुपए तक ले लेते हैं। नस्य भी करवाया स्वामी जी मैंने यहाँ पर, जब मैं पहले दिन आई थी तो रबर नीति नहीं हुई थी, जब से मुझे कोविड हुआ अप्रैल से तब से मेरा ये पैसेज ब्लॉक था, मुझे कफ जमा हुआ था, अब मुझे वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, यहाँ पर कफ भी सही हो गया, नाक खुल गई है मेरी नाक खुल गई, घुटने का दर्द बंद हो गया, श्रृंगी चिकित्सा से बहुत लाभ मिला है, यज्ञ चिकित्सा से बहुत लाभ मिला है, कई लाभ पा लिए, तो एक तो बड़ी समस्या इसने बताई, छोटी छोटी तो कई चीजें ठीक कर ली। बहुत आभार है स्वामी जी, जीवन में बहुत परिवर्तन, यहाँ की डाइट बहुत अच्छी है, डाइट से बहुत अच्छा चेंज हुआ। डाइट तो कुछ मुझे तो लोग ऐसे बोलते हैं कुछ खिलाते ही नहीं, भूखों मारते नहीं स्वामी जी, वो बहुत सात्विक डाइट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता चलो कोई तो अच्छा कहने वाला मिला नहीं तो लोग कहते हैं स्वामी जी बाकी सब अच्छा है, खाना नहीं देते हो आप, हमने जिंदगी भर, मैंने कहा हम खाना देते हैं, 5 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में चूल्हा पतंजलि की वजह से जलता है, हमने
लाखों लोगों को रोजगार दिया है, लाखों गरीब लोगों को खाना भी देते हैं, लेकिन अमीर लोगों का खाना बंद करते हैं। अमीरों का खाना बंद, गरीबों का खाना शुरू। चल बेटा खुश रहना है।